अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। ये आप लोगों को पिक्चर में सारा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्केच है दैट इज द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की जो बेस थी वो एटॉमिक नंबर पे थी, ना कि एटॉमिक मास। जहाँ तक क्लियर है, फिर हम इस प्रोडक्ट टेबल के बारे में ये भी पढ़ चुके थे, देयर आर द सेवन पीरियड इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। कितने पीरियड स्टूडेंट? सेवन। देयर आर द सेवन पीरियड इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। जी आप लोग देख सकते हैं कि दैट इज द सेवन पीरियड इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। और ग्रुप कितने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में? 18। देयर आर द 18 ग्रुप इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में तो हमने ये पढ़ा था, फिर साइंटिस्ट ने इनको फोर मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को और उनके एलिमेंट को। फर्स्ट टू ग्रुप के जो एलिमेंट थे वो लाइट मेटल थे, और थ्री से लेकर 12 के जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के जो एलिमेंट थे दैट इज कॉल्ड एज द हैवी मेटल, उनको कहा गया। और 13 से लेकर 17 तक के जो एलिमेंट थे उनको नॉन मेटल कहा गया। और स्टूडेंट जो 18 के एलिमेंट थे, 18 ग्रुप के जो एलिमेंट थे उनको नोबल गैसेस का नाम दिया गया। जहाँ तक क्लियर रहेगा स्टूडेंट। अब इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में आपको बहुत सारे की पॉइंट नजर आ रहे होंगे, किसी में येलो कलर है तो किसी में ब्लू है, किसी में पर्पल है और किसी में रेड है। तो ये इंडिकेशन है कि तुलबा इस कलर के जरिए पहचान सकें कि कौन कौन से एलिमेंट जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में हैं वो गैसेज हैं, कौन से लिक्विड हैं, कौन से सॉलिड्स हैं, ठीक है, और कौन से सिंथेटिक हैं जो तैयार किए गए हैं एलिमेंट। तो इसमें स्टूडेंट ये एक की है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को समझने के लिए। ये जितने भी इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में येलो कलर है दैट इज रिप्रेजेंट द मेटल, और दूसरा जितना भी व्हाइट कलर है इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में व्हाइट डब्बे हैं या जितने भी व्हाइट डब्बे वाले एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड एज द नॉन मेटल, और जो रेड वाले हैं उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उनको हमारे पास इसमें रेड वाले जो एलिमेंट है उनको नोबल गैसेस का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें ब्लू और पर्पल कलर वाले हैं जिनको मेटलॉइड्स और नोबल गैस का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीटेशन ऑफ द पार्टिकुलर सबशेल द एलिमेंट विद द सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर रेफर एज द ब्लॉक्स ऑफ द एलिमेंट, के ऐसे एलिमेंट जिनके सबशेल में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो उनको ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट का नाम देते हैं। तो हमारे पास है देयर आर द फोर ब्लॉक्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, उनके नाम जो है वो मैं स्टूडेंट कॉल करने लगा हूँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, तो आप कहेंगे कि देयर आर द फोर ब्लॉक्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब हम देख लेते हैं कि इनको हमने एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो थे उनको शेल में और फिर सब शेल में क्यों डिवाइड किया, उनको फिर उनका नाम क्यों रखा है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप वन एंड ग्रुप टू हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द शेल, मतलब ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो एलिमेंट थे वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस शेल में रखते, एस सब शेल में रखते थे, इसी वजह से उनको हमने क्या नाम दिया है, दे आर कॉल्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 टू 18 के जो हमारे पास ग्रुप के जो एलिमेंट थे वो पी शेल में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते थे, इसी वजह से उनको पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया गया। इसी तरह और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो अपने वैलेंस शेल जो है वो डी ब्लॉक में रखते थे, इसी वजह से हमने उनको डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया। इस तरह और भी बहुत सारे जो है वो ग्रुप के एलिमेंट हैं जो हमारे पास पी ब्लॉक में अपने वैलेंस शेल रखते थे उनको हम पी ब्लॉक का नाम दिया। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो अपने वैलेंस शेल डी ब्लॉक में रखते थे उनको हमने डी ब्लॉक का नाम दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है वो आपके पास है। उसके बाद वो कहता है द डी ब्लॉक लाई बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डी ब्लॉक है वो एस और पी के मिडल में लाई करता है या सेंटर में लाई करता है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ द 10 ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रुप 3 टू 12, हर पीरियड अपने 10 ग्रुप पर मुश्तमिल है,
जो पीरियड 3 से लेकर ग्रुप 12 तक है। ये देखो हमारे पास हर पीरियड 10 पे मुश्तमिल है, जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक है, ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिटिशन मेटल का नाम देते हैं, या यूं भी कह सकते हैं आप कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी हैं वो ट्रांजिटिशन मेटल वाले एलिमेंट हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट के एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं उनको जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में जाते हैं, इस वजह से उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम देंगे। और 3 से लेकर 12 तक के जितने ग्रुप के एलिमेंट हैं वो डी वैलेंस शेल में उनके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस वजह से उनको डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम देंगे। और कुछ ऐसे हैं जो 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाते हैं, इसी वजह से उनको पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो इनके बॉटम में लाई है, एस पी और डी के बॉटम में बिल्कुल नीचे वाके है, कि इसी वजह से जो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में लाई करते होंगे, इस वजह से उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम देंगे। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। तो कितने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास ब्लॉक्स हैं, तो 4 हैं, एस पी और डी और एफ, देयर आर द 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 1 और 2 के, इस तरह डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक आते हैं जिनको हम ट्रांजिटिशन मेटल का भी नाम देते हैं, और 13 से लेकर 18 तक के जितने एलिमेंट हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं, इस तरह से बाकी जो बच जाते हैं वो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट, आई होप कि आपको इसके बारे में बहुत सारा क्लियर हो गया होगा। इससे पहले कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि उन्हें भी पता चले इल्म बांटने से कम नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के बारे में हमने बात की कि हमारे पास लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि देयर आर द 7 पीरियड इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल एंड 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। और उसके बाद साइंटिस्ट ने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की जो बेस रखी वो एटॉमिक नंबर पे थी, ना कि एटॉमिक मास, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को साइंटिस्ट ने 4 ग्रुप में डिवाइड किया, फर्स्ट 2 ग्रुप के जो एलिमेंट थे वो लाइट मेटल कहलाए, और 3 से लेकर 12 जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे वो हैवी मेटल कहलाए, और 13 से लेकर 17 तक के ग्रुप के जो एलिमेंट थे उनको हम नॉन मेटल का नाम देते हैं, और 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको नेचुरल गैसेस का नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। फिर मैंने यह आप लोगों को बताया इस लेक्चर में कि कुछ की पॉइंट है इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये जो ब्लू कलर वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये हमारे पास मेटल है, और हमारे पास वाइट वाले जो एलिमेंट है इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में वो नॉन मेटल है, ये वाले, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें मेटलॉइड भी हैं, ये आप लोगों को मेटलॉइड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सिलीनियम है, गैलियम है, एएस है, एंटीमनी है, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास मेटलॉइड है, और कुछ नोबल गैसेज हैं ये जो आप लोगों को इस 18 ग्रुप के एलिमेंट में जो नज़र आ रही हैं, दैट इज द नोबल गैसेज, जिनको जीरो मेटल का भी नाम देते हैं, जीरो एलिमेंट का नाम देते हैं। ये तो था की पॉइंट स्टूडेंट। फिर हमने पढ़ा के फिर हमने ब्लॉक ऑफ एलिमेंट की डिफाइन की, फिर हमने कहा कि देयर आर द 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, वो कौन कौन से, एस पी डी ई, एस पी डी एंड एफ। फिर हमने कहा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में लाई करते हैं, इस वजह से उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। और एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 18 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में लाई करते हैं, उनकी वजह से उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया। इसी तरह फिर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो लाई बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक, वाइल एफ ब्लॉक लाई सेपरेटली एट द बॉटम, वाइल एफ ब्लॉक, ये देखो वाइल एफ ब्लॉक लाइज सेपरेटली एट द बॉटम, नीचे वाक्य है एस से भी, पी से भी और डी से भी, ठीक है, अलहदा सेपरेट। इसके अलावा हमारे पास फिर हमने पढ़ा कि डी ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट द पीरियड 4, 5 and 6। फिर हमने कहा कि हर पीरियड, ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ द 10 ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 to 12 ग्रुप, दीज आर कॉल्ड एज द ट्रांजिटिशन मेटल। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट जितने हैं उनको हम ट्रांजिटिशन मेटल का नाम देते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को इससे क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह।